You are watching Travel with Tony. आज अब इस वक्त हैं महालक्ष्मी दोबीघाट में। कहा जाता है कि ये सारे संसार में नंबर वन है, वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट दोबीघाट है। आज हमारे साथ हैं संतोष जी, द चेयरमैन ऑफ दिस महालक्ष्मी दोबीघाट। उनसे पूछेंगे महालक्ष्मी दोबीघाट के बारे में। संतोष जी, ये दोबीघाट कहा जाता है कि वर्ल्ड में नंबर वन है। सर, मेरी जानकारी के हिसाब से तो वर्ल्ड में नंबर वन ही दोबीघाट। काफ़ी वर्षों से मतलब बचपन से हैं जब से इस चीज़ों को सुन रहे हैं दोबीघाट, और काफ़ी बार भी पेपर में भी डिक्लेयर हुआ कि हेरिटेज ऐसा ही है, मनोनीत किया गया, परंतु अभी तक सर जीआर नहीं आया है। हम लोग सब कोशिश में लगे हुए हैं कि ये हेरिटेज में डिक्लेयर हो जाए। और जहाँ तक दोबीघाट के बारे में बात है तो मैंने सुना है मलेशिया में है हैंड प्रोसेस का, बाकी वर्ल्ड में तो और कहीं दोबीघाट मैंने से सुना नहीं कि है। अच्छा, हैंड प्रोसेस में एक मलेशिया में है जो फेमस है, और दूसरा ये इंडिया में है। बट इंडिया सीम्स टू बी द नंबर वन हैंड प्रोसेस में। ये अंदाज़ा कितने यहाँ पे धोबी लोग काम करते हैं? अब यहाँ पे 731 स्टोन्स हैं। स्टोन्स मीन्स दैट घाट। हाँ, घाट वहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं। हाँ। एक बंदे को एक अलॉट किया जाता है, एक धोबी को एक वो स्टोन अलॉट किया जाता है जिससे वो अपनी रोजी रोटी को पूरा करता है। तो इस हिसाब से एक स्टोन पे एक परिवार आप पकड़ेंगे तो 731 परिवार, 731 परिवार मल्टीप्लाई 4, अप्रोक्स 3000 परिवार तो ऐसे ही हो जाते हैं। 731 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब ईच फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। ओके, तो मतलब काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे इस दोबीघाट पे डिपेंड करती हैं, रोजी रोटी यहीं पे है। काफ़ी सारी फैमिली यहाँ पे डिपेंड करती हैं, और सबकी रोजी रोटी जैसे धोबियों की तो रोजी रोटी कम से कम यहाँ से है। ये जो अंदर जो दोबीघाट है पूरे, इसमें अंदर फैमिलीज रहते भी हैं, सब यहीं पे हैं? थोड़े बहुत रहते भी हैं, थोड़े बहुत नहीं भी रहते हैं, थोड़े बहुत बाहर रहते हैं। अच्छा, थोड़े बहुत अंदर रहते हैं। पहले तो क्या था, ये सिस्टम ही अलग था कि सवेरे 6 बजे खुलता था ये दोबीघाट और शाम को 6 बजे बंद हो जाता था। परंतु धीरे धीरे बारिश का समस्या, गटर समस्याएँ, कपड़े नहीं धुलने की समस्याएँ, पानी की समस्याएँ की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे सब रहना भी स्टार्ट कर दिया। उस हिसाब से ये थोड़ा रेसिडेंशियल टाइप बन चुका है यहाँ पर। दोबीघाट। दोबीघाट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन ऑन द वेस्टर्न रेलवे 7 रास्ता राउंड अबाउट। इट कैन बी इजीली सीन फ्रॉम फ्लाईओवर ब्रिज ऑफ महालक्ष्मी स्टेशन इन मुंबई। दोबीघाट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महालक्ष्मी दोबीघाट इज अ वेल नोन ओपन एयर लॉन्ड्रोमैट इन मुंबई, अ पार्ट ऑफ इंडिया। The washers, locally known as dhobis, that is clothes cleaner, work in the open to wash the clothes from Mumbai's hotels and hospitals. There are rows of open-air concrete wash pans, each fitted with its own flogging stone. Called the world's largest outdoor laundry, Dobighat is a very popular attraction among foreign tourists. Word Dobighat is used all over India to refer to any place where many washers are present. Dobighat is a unique feature of Mumbai. The dhobi is a traditional laundry man
which will collect your dirty linen, wash it and return it neatly pressed to your doorstep. All for a pittance. The laundries are called ghats. Row open row of concrete wash pans, each fitted with its own flogging stone. Clothes are soaked in sudsy water, thrashed on the flogging stones, then tossed into a huge vat of boiling starch and hung out to dry. Next, they are ironed and piled into neat bundles. Most famous of these dhobi ghat is at Satrasta near Mahalakshmi station in Mumbai, where almost 200 dhobis and their families work together in what has always been a hereditary occupation. राजा हाँ। स्कूल जाते हो बेटा? क्यों? गांव जाना। अरे गांव जाने से तो स्कूल नहीं जाओगे मतलब? तो स्कूल कौन जाता है? मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। हाँ सब लोग जाते हो स्कूल? हाँ तुम सब लोग जाते हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं हाँ इधर इधर उधर मैं सीनियर केजी में हूँ। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? सीनियर केजी। सीनियर केजी कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा ही दूर है। थोड़ा ही दूर है। रोज जाते हो कि सो जाते हो फिर? रोज जाता हूँ। रोज जाते हो? हाँ। पक्का? तुम्हारी टीचर से पूछूंगा मैं। हाँ? क्या सीनियर के जी पढ़ते हो? हाँ। क्या नाम है? सुमित जाती। सुमित। और कौन जाता है स्कूल? हाँ? और कौन जाता है स्कूल? आ जा। क्या नाम है तुम्हारा? इसमें आप क्या करते हो? इसमें धो देते हो? इसमें हाँ अच्छा इसमें पहले गर्म पानी कास्टिंग साबुन वाबुन सब डाल देते हो? अच्छा गर्म पानी बॉइलिंग करते हो? बॉइलिंग में फिर वो ये सब साड़ियाँ उसमें डाल दे धोने के लिए? अच्छा अच्छा इसमें कितनी देर रखते हो इसमें अंदर? रात भर समझो 4 बजे तक रहते हैं। अच्छा मतलब 5-6 घंटा इसी में बॉइलिंग पानी में? आग नहीं जलेगा। अच्छा बॉइलिंग होने के बाद? अच्छा बॉइल करने के बाद आग बंद हो जाती है उसके बाद? दूसरे में डालते। अच्छा अच्छा तो इसका कलर नहीं निकलता? इधर निकल जाओ ना।
ये कितने यहाँ पे धोबी रहते हैं? आपको बता, 3000। 3000 धोबी विद फैमिली? विदाउट फैमिली रहते हैं यहाँ पे। अरे मेरे ये इनके जो बच्चे हैं, जैसे अंदर गए थे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे? जी हाँ, यहाँ पे म्यूनसिपल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो यहाँ के बच्चे जो भी हैं वो जाते ही हैं स्कूल, तो 100% जाते हैं बच्चे सब। एंड यू बिलोंग टू दिस प्लेस ओनली? हाँ, वो लोग सब यहीं के हैं। अच्छा, नहीं आप भी यहीं पर रहते हैं? मैं भी यहीं पर रहता हूँ। अच्छा, आप माँ लक्ष्मी में ही रहते हैं, मतलब बचपन से? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन माँ लक्ष्मी? बॉर्न में हुआ यूपी में, और जब से कुछ 6-7 साल का था जब से मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, तो पूरा बचपन जवानी आपकी यही है। अच्छा अच्छा, ये जिस ये लॉन्ड्री इनकी है, ये लॉन्ड्री आपकी है ना? जी हाँ, ये लॉन्ड्री मेरी है। तो मतलब आप इसी बिजनेस में हैं, कपड़ों के बिजनेस में? जी हाँ, वॉशिंग के बिजनेस में ही हैं हम। जब छोटे थे, जैसे कुछ 7-8 साल के थे, तब थोड़े बहुत मालूम थी, हम भी कपड़े धोते थे घाट में। हमने भी वॉशिंग किया, अप टू ग्रेजुएशन हमने धोबी घाट से पूरा किया। आज जो हम यहाँ हैं उस धोबी घाट की बदौलत है। एक समय था जिस जहाँ बैठे हैं वहाँ पे पहले ये सब नहीं था, एक छत थी जो पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के अमिताभ बच्चन को देखा करते थे कि अमित जी बच्चन जी आए हैं, मर्द की शूट पे वहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, मर्द पिक्चर की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। अच्छा, डॉन का एक गाना भी था यहाँ पे? डॉन का गाना तो नहीं था, डॉन यहाँ से भागते वक्त दिखाया है, ब्रिज पे से जंप मार के घाट में से भागते हुए दिखाया गया। हाँ, वो मुझे, मैं बचपन में मैंने डॉन पिक्चर देखी थी तो मुझे याद है अमिताभ जी यहाँ से भागते हुए वो शॉट लिया था उन्होंने। हाँ जी, वो बात सही है। अमिताभ जी की डॉन थी, मर था, काफ़ी फिल्म त्रिशक्ति तो काफ़ी शूट हुई यहाँ पे। अभी लेटेस्ट मूवी शूट हुई है हिश, धोबी घाट, अभी कुछ शो था। शूटिंग्स तो बहुत सारी होती रहती हैं जो भी। हाँ, फिल्म शूटिंग्स बहुत होती हैं यहाँ पे, काफ़ी पिक्चरों में देखने को मिला है हम लोगों को ये। मैंने, मुझे अभी भी याद है, मर्द की यहाँ पे एक शॉट लिया गया था। हाँ जी हाँ, यहाँ पे मर्द पिक्चर का शॉट, वो कुत्ता आता है वहाँ से कपड़े चुरा के ले जाता है, अमित जी को देता है, तो अमित जी पहन के जाते हैं पार्टी में। पार्टी में कुछ डांस गाना है, कौन सा वो? हाँ, अमृता सिंह के साथ एक गाना था, सुन रूबिया। हाँ, सुन रूबिया प्यार हो गया जी। सुन रूबिया प्यार हो गया, वो गाना इसी अमित जी का, एक कुत्ता जो था वो यहाँ से कपड़े चुरा के लेके जाता है, एंड द डॉग गिव्स क्लोज टू मिस्टर अमिताभ बच्चन, और वो कपड़े पहन के वो पार्टी में जाते हैं, अंग्रेजों की पार्टी थी। हाँ, फिर वापस वही कपड़े लाके वापस धोबी घाट में दे देते हैं, फिर वापस वो पहले जैसे हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम अंदर चलेंगे धोबी घाट में, देखेंगे कैसे कपड़े धुलते हैं। It comes across as a fascinating place, a huge human-powered mass laundry where hundreds of washermen called dhobis wash clothes in large concrete wash pans and dry them under an open sky. Contrary to what tourists may be given to believe by tour guides, the dhobis of this ghat are not involved in doing the laundry of Mumbai homes and families. In fact, they are mostly engaged in washing clothes for large, lower market commercial organizations like restaurants, hotels, guest houses located in the vicinity.
Dhobi Ghat, that is open air manually operated laundry, is a surviving relic of Mumbai's past. For the Dhobis, it's generally a hereditary profession, with most of the washermen's families working here for last two or maybe three generations. Their technique having remained virtually the same. The soiled clothes are first soaked in boiling water with caustic soda and then flogged on a slab to get physically rid them of dirt and stains. After drying them in the open, clothes are ironed with age-old charcoal presses with heavy wooden handles. It's a great photo opportunity if nothing else. You can get a view from the bridge next to the Mahalakshmi station in Mumbai. Most of the local people find it rather amusing that an activity as mundane as washing arouses such curiosity in the tourist. Ever since last year's release of Bollywood blockbuster of the same name, Dhobi Ghats became an increasingly popular sight to see. Tucked away amid the cacophony of Mahalakshmi station, this open-air laundromat is the perfect place to take your camera and soak in the suds on a Saturday morning. Acha, kya kar rahe hain aap? Kya bana rahe hain? Main ghadi karta. Ghadi kar rahe ho? Ye hai kya? ये बाड़ी ओड़ी के है, ये सब आता है। अच्छा, लेडीज का है? तो बाड़ी का, बाड़ी का। अच्छा हाँ, ये पर्दा देखो, ये सब शादी होती, शादी हॉल। हाँ, शादी हॉल में डेकोरेशन का। ओके ओके, डेकोरेशन के में मटेरियल जो यूज होता है वो है शादी हॉल का है। चाचा, कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? ये हम? हाँ। अरे मेरी 70-75 उम्र है। 70-75 साल आप यहीं पे हैं? नहीं, लेकिन अब जाता है। अच्छा, नहीं आप लेकिन रहते यहीं पे हैं? हाँ, अभी 3-2 महीना भे आए घर। अच्छा, काम यही करते हैं आप? हाँ, सालों से। हाँ, सालों से यही काम करते आ रहे हैं? हाँ, यही काम बचपन से ही। अरे बचपन से तो नहीं, जवानी से आया है, बचपन से नहीं आया है। जवानी से यही काम करते आ रहे हैं आप? हाँ, जवानी में यही काम है। क्या हमारे को भोजन जिंदगी इधर ही गुजर गई आपकी? अरे हाँ, जिंदगी बीत गए, मरने का ठिकाना करते मालिक जीता नहीं होगा। और छोकरे तो है बुढ़ाई के बाद तो परेशानी होती है। अच्छा हाँ, लड़का ही कट के जवानी कट के बुढ़ाई दार छोकर है। आप क्या करते हैं दादा? यही काम करते हैं। आप भी वही डेकोरेशन का ही? अच्छा, कितने सालों से काम है करते हैं आप ये? अरे आप बहुत सालों से। वो चाचा आपके दोस्त होंगे फिर? नहीं, दोस्त नहीं, वो अंग्रेज के जमाने के। अंग्रेज के जमाने से हैं वो? और आप हिंदुस्तान के? वो अंग्रेज के जमाने से काम करते आ रहे हैं धोबी का। तो आपको भी तो काफी साल हो गए होंगे यहाँ पे। दादा, इसमें आप क्या कपड़े सुखाते हैं? नहीं। तो पेरा जाता, वो सूखेगा धूप में। तो इसमें क्या करते हो आप? पानी निकालते हो, निचोड़ते हो? अच्छा अच्छा, ऐसे पानी निचोड़ जाएगा पूरा? हाँ, तो ये तो समझो आधा सूखा हो गया ना, ये तो 60-70% सूखा ही हो जाता है, 70% सूख जाता है। इसके बाद फिर आप इसको मैदान में ले जाके धूप में सुखा, उसके बाद इस्त्री करोगे। अच्छा अच्छा, तो दिस इज द ड्रायर, मतलब दिस इज कॉल्ड हाइड्रो मशीन। अच्छा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो मशीन, इसमें पानी ड्रेन हो जाता है, निचोड़ जाता है पूरा। ओके, तो ये सब धोबी में सबके पास है, ये सबके पास ये इक्विपमेंट है ही। अच्छा, पहले मैनुअल था, अभी मशीन हो गई। ओ, पानी आ रहा है पूरा। Upon venturing downwards and into the area, we were greeted by the alluring smell of detergent,
that creates an atmospheric bubble separating Dhobi Ghat from urban bustle, at least superficially. The Mahalakshmi Dhobis, that is washermen, are friendly and do not find shutterbugs intrusive as they continue to clean clothes by slapping them against flogging stones, propelling water and soap suds into the air with rhythmic constancy. Besides the old-fashioned method of washing, the ghat is also equipped with automatic laundry machinery which remains on the sidelines because the dhobis in their wash bins are the real stars of the show. They scrub, slap, soak, dry, drape and deliver every article of clothing in their vicinity with remarkable competence and calm and get them back to their owners by evening. Visitors will marvel at the process of an unusual vocation that functions with the efficiency of a well-oiled machine and wonder at its remarkable organization. But for the dhobis of Mumbai's Dhobi Ghat, it's simply all in a day's work. These processes have been honed over the 162 years history of the ghats, which were originally constructed to service British viceroys and officers. Some 5,000 dhobi walas work the ghats, many of whom reside within the compound with their families. The few I met commanded my respect for their dedication. Being a job that is passed on through families predominantly from Andhra Pradesh and Uttar Pradesh seems to add a dimension of pride amongst this close-knit community. Rather than wearing their hearts on their sleeves, they put their hearts into keeping other sleeves clean. Iconic Dhobi Ghat in Mahalakshmi, a popular tourist spot for foreigners visiting Mumbai, will soon don a new look. While the civic administration has begun the revamp of the century-old washing and drying area spread over a 23-acre plot to provide better facilities for the launderers, the BMC is also planning to build a viewing gallery for tourists in the second phase of restoration. It is said that approximately 1,000 foreigners still visit the world's largest washerman colony, that is Mahalakshmi's Dhobi Ghat in Mumbai. Thank you.
So if you happen to be in Mumbai, you must visit this site called Dhobi Ghat. It's fascinating, it's enchanting, and will take you back to the British era.